वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप सब जानते हैं कि कोरोना के केसेस पूरे देश में बढ़ रहे हैं और मुंबई में तो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इस वजह से बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में जो रिलीज होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई। आप सब जानते हैं कि गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन की फिल्म चेहरे अलॉन्ग विथ इमरान हाशमी एंड अनु कपूर, ये फिल्म जो 9 अप्रैल को आने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई है, पता नहीं अब कब आएगी। और इसी तरह का चलता रहा तो मेरे ख्याल से आने वाले हफ्तों में जो सूर्यवंशी आने वाली अप्रैल 30 को वो भी पोस्टपोन हो सकती है। शायद राधे सत्यमुजेते ये भी हो सकता है, अगर आगे लॉकडाउन हुआ या नाइट कर्फ्यू बढ़ा तो ये सब हुआ तो डेफिनेटली ये सभी फिल्में पोस्टपोन हो जाएगी और आगे जाके इतने सारे क्लैश हो गए कि एवरी फ्राइडे क्लैश होने वाला है अगर ये सिलसिला रहा तो, क्योंकि बहुत सारी फिल्में कंप्लीट होकर रुकी हुई है। तो आई डोंट नो व्हेन चेहरे विल रिलीज बिकॉज एवरीबडी वांट टू वॉच चेहरे, ऑल एक्साइटेड टू वॉच दैट मूवी बिकॉज एकदम ज़बरदस्त स्टारकास्ट है। अमित जी, इमरान हाशमी, अनु कपूर, ये धमाकेदार स्टारकास्ट है, तो लोगों को ये फिल्में देखने वो उत्सुक थे, लेकिन अब पता नहीं कब रिलीज होगी। इसके अलावा एक और फिल्म थी कोई जाने ना जो 2 अप्रैल को आने वाली थी वो ही पोस्टपोन हो गई, तो आई डोंट नो व्हेन दिस मूवीज आर गोइंग टू रिलीज। तो लेट्स होप कि नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो, ये वायरस जल्द से जल्द चला जाए और थिएटर में फिल्में रिलीज होए और बाकी जो लोग जो जॉब करते हैं उनके जॉब पे जाने को मिले, उनकी नौकरी पे कुछ खतरा ना होए। आई होप इट्स हैपेंस लाइक दिस, क्योंकि अगर ये बढ़ते जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर सिनेमाज, जो बिजनेस वाले लोग हैं जो काम करते हैं उन सब पे बहुत बड़ा असर ऑलरेडी पड़ चुका है, लेकिन और ज़्यादा इट बिकम फ्रॉम बैड टू वर्स इज गोइंग टू बिकम। सो आई होप दिस वायरस गोज एज सून एज पॉसिबल। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से एक नाइट कर्फ्यू लग रहा है या लॉकडाउन की तैयारी शायद कर रहे हैं सेकेंड फेज की, तो जिस तरह इलेक्शन बूथ लगते थे, लोग जाकर वहाँ पर वोट देते थे, तो इसी तरह जो वैक्सीन दे वैक्सीन देने का भी इसी तरह का सिलसिला शुरू करना चाहिए, ऐसा मेरा थिंकिंग है। तो अगर इस तरह से वैक्सीन देंगे तो जल्दी सबको वैक्सीन मिल जाएगी और मेरे ख्याल से द लाइफ विल कम एज नॉर्मल, आई होप ऐसा हो। तो जिस तरह से नाइट कर्फ्यू हो रहा है तो सूर्यवंशी भी शायद डिले हो सकती है, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी फिल्में अब OTT पे आने वाली है, तो आई थिंक OTT पे सबसे बड़ी फिल्म आने वाली थी आई थी वो दैट वॉज अमिताभ बच्चन एंड आयुष्मान खुराना गुलाबो सीताब, दैट वॉज फर्स्ट बिग फिल्म टू कम ऑन OTT। उसके बाद लक्ष्मी बॉम्ब, कुली नंबर 1 आई, तो अमित जी तो उनको बोले आप तो बहुत खुश होंगे तुम OTT प्लेटफॉर्म वालों को, बट दे विल वेरी हैप्पी कि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म OTT पे डाल देंगे। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है OTT पे फिल्में मत डालो, पिक्चर थिएटर में ही डालना, भले थोड़ा टाइम लग जाए, अभी 1 साल रुके तो और थोड़ा रुक जाओ, ये कोविड ख़त्म हो जाएगा, आराम से फिल्म रिलीज करो थिएटर में और ऑडियंस को फिल्म देखने का थिएटर में जो मज़ा आएगा वो मज़ा OTT पे नहीं आएगा। कोई भी फिल्म हो, या सूर्यवंशी हो, राधे हो, सत्यमुजेते 2 हो, या कोई भी फिल्म हो, या अमित जी की फिल्म चेहरे हो, अमित जी जहाँ खड़े हुए थे सही मायने में लाइन वहीं से शुरू होती है। सो गाइज, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, टिल देन This boy by saying goodbye and God bless you all.